नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, गणपति चतुर्थी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हर साल की तरह इस साल भी बप्पा के आगमन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर लोग बप्पा के वस्त्र से लेकर भोग तक की सारी चीजें उनकी पसंद की ही लाते हैं, ताकि गणपति बप्पा जल्दी प्रसन्न हो सके। गणपति स्थापना में बप्पा के भोग से लेकर श्रृंगार जैसी कई चीजें अहम होती हैं। ऐसे में गणपति स्थापना से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप बप्पा की इन चीजों को ध्यान में रखकर तैयारियां करेंगे, तो ही बप्पा खुशी खुशी आपके घर विराजेंगे और आपके दुख कष्ट हर लेंगे। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नंबर एक, दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर अगर आप गणपति लाने की सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि सफेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी गणेश मूर्ति को ही लाना शुभ माना जाता है। यही नहीं, आप सोना, चांदी, तांबा आदि से बनी गणेश मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं। बस प्लास्टर ऑफ पील या फिर किसी अन्य मटेरियल से बनी मूर्ति को पूजा में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसी मूर्तियां लाने से परहेज करें। नंबर दो, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गणेश महाराज की बैठी हुई प्रतिमा ज्यादा फलदायी होती है। ऐसे में गणपति की मूर्ति खरीदते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। हो सकता है पूजा में गणपति की ऐसी मूर्ति रखना आपके लिए शुभ हो जाए और बप्पा आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके बिगड़े कामों को बना दें। इतना ही नहीं, किसी कार्य में आ रही रुकावटों को भी पल में दूर हो सकती हैं, इसलिए आप इन चीजों को पहले देख लें। नंबर तीन, वामुखी गणपति की मूर्ति घर लाएं तो उन्हें प्रसन्न करना आसान हो जाता है। दरअसल गणेश जी की बाई ओर वाली सूंड को वामुखी गणपति कहा जाता है। कहते हैं कि वामुखी गणपति की पूजा करना आसान होता है, जबकि दाई और सूंड वाले गणपति जी की पूजा करने के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। नंबर चार, दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि गणपति की सफेद या फिर सिंदूरी रंग की प्रतिमा लाना शुभ माना जाता है। तो इस बार अगर बप्पा की मूर्ति घर में स्थापित करने का प्लान बन रहा है, तो कोशिश करें सफेद या फिर सिंदूरी रंग की हो। वैसे तो आप किसी भी रंग की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। नंबर पाँच, दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस के लिए गणपति लाने का विचार कर रहे हैं, तो खड़े हुए बप्पा लाने ऐसा करना आपके लिए बेहद ही शुभ माना जा सकता है। ऐसी प्रतिमा के पूजन में सफलता और तरक्की मिलती है, इसलिए आप ऐसी चीजों पर अपना ध्यान पूरा रखें। नंबर छह, दोस्तों, अगर इस बार गणपति को घर में स्थापित करने का कारण संतान प्राप्ति है, तो घर में गणपति की बाल स्वरूप की स्थापना करें। ऐसा करने से जल्दी ही आपके घर में किलकारी गूंजने लगेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।